इसमें यात्री निवास के बाहर हो रहा हंगामा यहाँ पर हो रहा है। क्या नाम है आपका और क्या? मेरा उमा देवी है, मुझे इधर 24 साल हो गए इस मकान में। इस अशोक कुमार ने मेरे से शादी की पहले, है मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद की। मेरे उससे दो लड़कियां हुई, इसने एक लड़की दे दी किसी को, है एक लड़की इधर है वो भी बिचका, इसका कभी खर्चा नहीं इसने दिया। और इसने अपनी उसकी फैमिली उधर रहती है लवाटरी में, और उसकी फैमिली आके इधर कब्जा कर रही है और हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। हैं मुझे 24 साल अगर मेरी बेटी इधर मोमोस बेच के और पढ़ भी रही है, मोमोस भी बेच दी है, पूरा मल्ला गवाह, पूछ लो इनको कि मैं कितने साल हुए थे मुझे रहते हुए। और ये आदमी इतना आता नहीं जाता नहीं कुछ नहीं, और मुझे आज मुझे खज्जल कर रहा है, बोल रहा है निकलो बाहर यहाँ से, पूरी फैमिली आई है देखो जाके अंदर, पूरा इसने मेरा कब्जा किया पूरा घर में। अभी आपको कह रहे कि बाहर निकलो? हाँ मुझे मुझे बोल रहे बाहर निकलो, मुझे चाहिए, मुझे मैं ये घर नहीं लूंगी, मगर मेरे को घर बना के दे 6 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी की शादी के लिए, मुझे 25 लाख देगा मैं तब इस घर से निकलूंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही मर जाऊंगी। बस मैंने बोल दिया, मेरा यही है लास्ट बयान भी, मैं मर गई। शादी हुई है? हाँ हुई है इसके साथ, इसने मुझे लाया जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती मेरे साथ करके इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। बाद में अभी मुझे बोलता अभी अपनी फैमिली पूरी लेके आया हुआ है, फैमिली पूरी यहाँ पर लाई है, अभी आई है। वो देखो सामान पड़ा हुआ है इनका, वो देखो अंदर सारे कब्जा करे, किरायेदार रह रहे बेचारे 2 महीने से, उनका सामान पूरा निकाल दिया इन्होंने, अब खुद बोल रहे हमने अंदर घुसना है। वो लेडीजे आई है 4, उनको अंदर अंदर कमरे का कब्जा कर रही है। ये सूचना पुलिस तक नहीं पहुँचाई? वो जा रही है, गई है मेरी बेटी पुलिस में गई है अभी। हाँ स्टे लगा हुआ घर में, 6 महीने हो गए स्टे लगा हुआ, क्योंकि इसने हमारा हक नहीं दिया। हम कोर्ट तक गए, कोर्ट का अभी हमारी 8 तारीख को हमारा तारीख है अभी जुलाई की, मगर इस आदमी ने मुझे अभी तक, पहले बोलता था मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, बोलता था मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, पहले मान गया, फिर अभी ये मुकर गया, बोलता तू रह ऊपर, मैं नहीं रहना, मेरे को पूरा घर चाहिए अपना, मेरी बच्ची की शादी चाहिए जो इसकी बेटी है, बस इसे पूछ लो कि क्या करेगा। मैं कुछ नहीं और बोलना चाहती, बस मैं मगर इसे निकलूंगी नहीं। और इन बेटियां थी, एक बेटी, एक दे दी इसने, पता नहीं कहाँ दी, मुझे नहीं पता, मैं तो तब बेहोश थी, इसने मेरी बेटी दे दी, अब इसको पूछो कहाँ दी है। अब यहाँ रहते हैं ये क्या पूरा मामला आपसे? मामला ये सर, 24 साल हो गए इनकी शादी को, तो एक होता है कि बंदा कोई अगर लेडीज आती है किसी के भरोसे ही आती है, तो उन्होंने ये मकान बनाया, तो मकान बनाया तो अपनी पहली जो बीवी थी उनकी, उनके नाम पे बना दिया, मगर रहते ये 24 साल से हैं इधर, ठीक है। मकान इन्होंने पूरा बनाते हुए पूरा बनाया, इनके सामने ही बनाया हुआ मकान। अब इनकी एक बेटी है, सिमरन कुमारी नाम है उसका, देखो वो बेटी 24 साल की हो गई है, वो अभी भी मोमो लगा रही है, बचपन से ही काम कर रही है, वो खर्चा कोई कर रही है, मोमो की दुकान लगा रही है, उसी से जो कमाते हैं ये वही खर्चा करते हैं, स्कूल की फीस वगैरह वही देते हैं। अब देखो आप खुद हो, आप लोग हो, अब जो इंसाफ दिलाओगे इनको, बाकी हम तो यही चाहते हैं ये इधर ही रहें। आप पूरा मल्ला वाला गवाह है साथ में सारे, किसी से भी आप पूछ लोगे सब यही बोलेंगे सर आपको, इनको पूरी तरीके से खज्जल किया, जब भी आते थे यहाँ गाली गलोच मारपीट, आपको पता ही है कैसे होते, लेबोरेटरी में रहते हैं ये, बाकी पता नहीं, पहले जॉब करते थे तब हमने बोला बकाया, तो बोलते रिटायर आऊँगा तो मैं बना दूंगा, अब रिटायर आए हुए इनको 4 साल हो गए, अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं, ना इनको एक फूटी कोड़ी थी ना कुछ, सिर्फ ये घर बना हुआ है, बोल रहे हैं अब यहाँ से भी निकलो, घर से भी निकाल रहे हैं सर। पत्नी और एक बेटी है, दो बेटी हुई थी जुड़वा, तो एक इन्होंने जब पैदा हुई थी तभी दे दी थी किसी को, तो अभी एक बेटी है उसकी भी ढंग से परवरिश नहीं कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं किसी को, इंसाफ दिलाना आपका काम है सर, आप आगे तक पहुँचाइए इस वीडियो को जरूर। आंटी आप रो नहीं, आपके साथ इंसाफ होगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आप रोना नहीं आपने, लेकिन ये है कि आपको लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, रोना नहीं आप। हमने स्टे लिया हुआ है, फिर भी देखो ये कब्जा करने आया है, स्टे लिए हुए हमें 5 महीने हो गए, बस देख लो हमारे पास कॉपी पड़ी, अभी थाने गई हुई है, अभी अपनी फैमिली लेके आया है सारा, मेरे को पूरी बदनामी करा रहे, बेइज्जती कर रहा है मेरी इधर आके। वीर जी बोलो तो कितने साल हो अंकल आपसे, आपसे 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 बात कर, सब लोग इधर नहीं नहीं मेरे से नहीं आएगी बात कर। तो फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं कि पूरा पूरा जो मोहल्ला है, जितने भी लोग हैं इनके साथ हैं, और ये सामने अगर आप, मैं ये दिखाना चाहूं आपको, ये सामान आपको दिखाना चाहूं कि ये सामान आप देख सकते हैं, ये इन्हीं का आरोप है, ये कह रहे हैं साफ तौर से कि अब ये सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब इस महिला और इस बेटी को ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चली जाइए।
तो ये पूरा मोहल्ला इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से पूरा मोहल्ला उस महिला के साथ है। उसकी एक बेटी है और 24 साल की बेटी है। अभी तक वो पहले से लेकर अब तक वो कराती है। और ऐसे में अगर किसी को एकदम से ऐसा बोला जाएगा कि आप लोग इस घर से बाहर निकल जाइए, घर से चली जाइए, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियाँ फिर होगी। ये कुछ दिखाना चाहते हैं, जिस स्टे का ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, कब लिया गया? ये 6 महीने हो गए हैं। छह महीने हो गए हमने इसका पुलिस का भी लिया हुआ है, हमने ऑर्डर और इनका स्टे का भी लिया हुआ है। आप क्या लगते हैं? मैं इधर पड़ोसी हूँ उनके पड़ोसी। हाँ जी, तो आप सहायता कर रहे हो कि ये? हाँ जी बिल्कुल, और क्या। ऐसे तो कल को किसी के साथ भी, ये 24 साल हो गए इनको यहाँ पे इस घर पे रहते हुए। अभी इनका इनका जो पीछे जो इन्होंने जो पहले से शादी की, इन्होंने झूठे धोखे से शादी की है एक तो, उसके बाद अब जो जो इनका जो पहले जो जिनकी शादी हुई थी वो सारे अभी अंदर आके इनको जबरदस्ती धक्के मारे हुए थे ये लोग, हमें मारपीट की है। और अभी ये लोग देखो सामान पूरा बाहर है, अंदर अभी भी घुसे हुए हैं, ये निकल नहीं रहे हैं यहाँ से। पुलिस तो उनको ले गई है, जो इधर का हेड बने फिरते हैं वो उनको ले गई है। पुलिस आई थी, पुलिस ने अभी इनको बाहर निकाला। हाँ, वो नहीं निकले ना, उनको निकाल रहे हैं। तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस तो, कर रही है अपना, पर हमने मीडिया को इसलिए बुलाया कि हर कोई ये देखे और इन लोगों को थोड़ा सीख मिले कि आज के बाद कोई ऐसा ना करे किसी के साथ। तो इस समय मैं आपको जात्री निवास के बिल्कुल सामने से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जात्री निवास से बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूं। ये वो घर है जहां पर एक महिला और एक उसकी बेटी है वो रहती है, जो कि मोमो का काम करती है। और उनके पति की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी एक शादी हुई थी, दूसरी शादी थी। और पहले ये कहा करते थे, ये लारा लगाया गया था कि आपको मकान बना के दिया जाएगा, लेकिन अब एकदम से जब रिटायर वो आते हैं और आकर उनको बाहर निकाल रहे हैं, उनका सामान बाहर निकाल रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो वही इस समय जो मामला है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आसपास के जितने भी लोग हैं, गली मोहल्ले के, सब साथ दे रहे हैं और साथ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है और जो व्यक्ति ने उनको बाहर निकाला वो सरासर गलत है। और उसी को लेकर ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से आज जो पूरा मामला है वो जात्री निवास से सामने आ रहा है। फिलहाल तमाम जो पूरे घर के लोग और साथ ही आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं अब किस तरीके से इस मामले को पुलिस भी देखेगी, कैसे ये मामला हल होगा, ये तो अभी सोचने का विषय है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि किस तरीके से भगवती नगर, अगर मैं बात करूँ, जात्री निवास के पास एक घर है वो घर खाली कर दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस भी कुछ देर पहले पहुंची थी। अब क्या होगा इसमें, क्या देखने को मिलेगा, क्या नया मोड़ इसमें देखने को मिलेगा, वो तो फिलहाल अब मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो पूरा मामला हुआ है, लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आखिर ये इंसाफ है, चाहे इंसाफ है, क्योंकि किस तरीके से एक महिला और उसकी बेटी को बाहर निकाला जा रहा है। मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है, पुलिस भी कुछ देर पहले यहां पर आई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब किस तरीके से इस मामले को देखा जाएगा, बड़ा सवाल उठता है। लेकिन फिलहाल आपको देख सकते हैं आसपास के जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, पूरे गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आंटी तो वो क्या बेटा, सारी उम्र जरानी कले मोमो बनाया बनाई के बच्चे पाले है, अज किया वो तो सिर्फ कौन है, पहले कभी ब्याह किया ना कहने धोखे कहने किया, मैं डरती नहीं है कुछ कोला, मेरी लाद किसी और चाली दी है, पहले बनाइए दियो फिर निकल दियो। हाँ ऐसे नहीं निकलेगी, ये कोई तरीका थोड़ी होता। मोहल्ला हम सारे इनके साथ है भैया, हम सारे इनके साथ है। देखो जे इधर मोमो बेच के गुजारा करते हैं, आज इन्होंने सामान लाया तो इनको बोलते बाहर निकलो, हम इधर रहेंगे नीचे, जब ये नीचे बैठ जाएंगे तो ये जाएंगे, इनको छोड़ेंगे अंदर इनको, इसलिए इनको पहले जगह लेके दे, मकान बना के दे, फिर और इसी मोहल्ले में, आगे पीछे कहीं नहीं, इसी मोहल्ले में ये इनको मकान बना के दे, ये वाला घर छोड़ देंगे। लड़की को कोई खर्चा वगैरह कोई कुछ नहीं देता है, वो खुद देता है। अब शादी के लायक है लड़की, उसकी शादी कराने की उसने काम करना है। चौबीस साल हो गए, सही गल, सानू इत्थे मोमो बनांदे काम करदे, मैं कपड़े अज मैं सीधे आई आखा तू निकलो बाहर, रेड ब्रो निकलो बाहर, और सारा उंदा टब्बर आई अंदर बड़े दा, इन्हें कड्डो पहले बाहर, पुलिस आए और इन्हें कड्डे, लेडीज पुलिस आको, पुलिस उनको लेके गई है जो अशोक कुमार को, बाकी फैमिली तो उसकी इधर अंदर बैठी हुई है, उनको निकालो, लेडीज पुलिस आए तो निकालो इनको,
मैं तब तक नहीं आने दूंगी जब तक मेरा घर नहीं बना के देगा मेरे को 5 मरले में, जब तक मेरा घर मेरी बेटी की शादी में 25 लाख नहीं लगाएगा। इसने चारों बच्चे अपने स्टैंड किए हुए हैं, एक बेटे को लंदन भेजा हुआ है 35 लाख रुपए देके। इसने अपनी बेटियों की अच्छे घर में शादी की है, मेरे को इस बंदे ने खज्जल कर दिया सारी उम्र। मैं काम करके खाती हूँ, क्यों क्या पता, अब उसको पूछना बेईमान है, क्यों करेगा बेईमान नहीं उसके दिल में धोखा किया और क्यों करेगा, कोई मेरा दुश्मन थोड़ा है। पहले मेरे से प्यार किया, जो किया धोखा किया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं बस, नहीं तो मैं इधर सबके सामने मैं प्यारी हूँ, मैं खुद इधर आत्महत्या करके मर जाऊंगी, मगर मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरे इसने पहले बच्चे भी खज्जल किए, सारे मेरे साथ है, सबको पता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रही हूँ। मैं कोई नहीं कोई होगा, मैं खुद ही मैं इधर सुसाइड करूंगी, मैं बेटी को भी मैं जीने नहीं दूंगी बस, मैं छोड़नी, मैं मीडिया है के बोलना दीदी है, सारी दुनिया की पता चल सारी उम्र इसका बेटा गवर्नमेंट नौकरी करता है लेबोरेटरी में, उसके ऊपर भी एक्शन हो। सब परिवार हमें आया मारने इधर, इनको बस इनको बिल्कुल इनको ऊपर तक जाए, इनको लगे पता कितने दिन अंदर रहे, जाए बस कोई रियाज नहीं करूंगी। मैंने आज दिन मैं चुप रही, 24 साल मुझे हो गया चुप रहते हुए इस घर में, इसने मुझे यही लारा लगाया मैं आज करूंगा कल करूंगा, मैं आपको बना के दूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, इसने कोई नहीं बेटी का खर्चा दिया नहीं कुछ दिया, इसने सब कुछ किया। इस आदमी ने मेरे से बेईमानी किया है, खुद ये लेबोरेटरी में नौकरी करता था गवर्नमेंट ट्रिपलाई में, पूछो उसको जाके, वो तो चला गया थाने लेके, उसको उसकी बीवी बच्चे सारे आए हुए हैं उधर अंदर बैठे हुए, उनको निकालना है बस अभी, वो बोले वो देखो उन्होंने सामान लाया अभी, पूछो उनको अभी हमने अंदर रखा होगा सामान। मैं भगवती नगर जात्री निवास के बिल्कुल बाहर में मौजूद हूँ, आप अंदर कैसे आ सकते हैं, ऑलरेडी स्टे लगा हुआ था फिर कैसे आ गए, वो इनको तो बाहर निकालना चाहिए, फिर इनको तो बाहर नहीं निकलिए, ऑलरेडी स्टे पे हुआ है अंदर कैसे आ गए फिर, वो स्टे लगा हुआ सही प्लीज स्टे ऑर्डर दस प्लीज, बिल्कुल उन्होंने बताया स्टे ऑर्डर बताया उनको, फिर आ गए वो अंदर लेकिन स्टे ऑर्डर था, बेटी अभी गई है बेटी, अभी तक उन्होंने बिठाया अंदर बैठ गए अभी, फिर ही आते हैं वो ना, मैं इनका बेटा हूँ मासी का लड़का हूँ। भगवती नगर जात्री निवास की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से वो मकान है, इसी घर की बात करूँ तो यहाँ पर एक जबरदस्त मामला बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल जात्री निवास के सामने की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक घर है, और घर की अगर मैं बात करूँ तो घर में एक महिला रहती थी, उसकी बेटी रहती है, लेकिन फिलहाल जब इस समय दे रहा है कि मामला इस तरीके से बिगड़ रहा है क्योंकि इस व्यक्ति ने 2 शादियां की है, ये इस महिला का आरोप है, और साथ ही ये बताया जा रहा है कि अब इस घर से वो हमें निकाल रहे हैं, मेरी बेटी बड़ी है 24 साल की बेटी है, मोमो बनाकर काम करती है, और ऐसे में मैं भी उनके साथ ही काम करती हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से हमें बाहर निकालेंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, हम बिल्कुल नहीं निकलेंगे। मामले को पुलिस देखती है और किस तरीके से पूरा ये मामला संभलता है ये मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो आपके सामने रख रहा था किस तरीके से यात्री निवास के बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं, किस तरीके से बड़ा हंगामा यहाँ पर होता हुआ, और ये अभी भी जो विजुअल है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि किस तरीके से लगातार जो जाओ अंदर मकान जो रोह बच्चा इथे है ये उथे है अभी स्टे भी लगा हुआ है ये बताया जा रहा है इस घर के अंदर, लेकिन फिर भी जो दूसरा परिवार है अंदर मौजूद है उनको यहाँ पर रखा गया है, ये बड़ा सवाल उठता है बिल्कुल आखिर क्यों, अगर स्टे लगने के बावजूद भी वो किस तरीके से अंदर पहुंचे हैं ये बड़ा सवाल उठता है। हालांकि पुलिस भी यहां पर आई थी, पुलिस ने क्या कुछ मामले को गंभीर से देखा है, क्या कुछ किया है ये तो सोचने का भी
तो अब इस मामले को किस तरीके से गंभीरता से देखा जाएगा, क्या मामला पूरा निकल के सामने आएगा, जरूर आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम आस पड़ोस के लोग भी उन महिला के साथ हैं और कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल इंसाफ मिला जाएगा, बिल्कुल आपका जो सामान है बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है आखिर इस तरीके के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। जो भी निकल के सामने आएगा जरूर आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल जो एक पक्ष था उसने पूरी जानकारी हम तक साझा की है और दूसरा पक्ष जब भी हमसे बातचीत करेगा, चाहे हम कोशिश करेंगे अगर बातचीत करेगा तो जरूर आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें यात्री निवास के बिल्कुल सामने से, जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मोबाइल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।